हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि सिंह आप सबका न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, मैं थोड़ा कम ठीक हूँ, वो आप सबको बाद में पता चलेगा क्या हुआ है मुझे। और ये है सोवा, ये 10 रुपये का सोवा है। इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, मन था बनाना तो पड़ेगा। खुल के रख लिए। छोटी छोटी आलू है, बीज अक्सर मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, जो ये छोटी छोटी आलू होती हैं, बचती हैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। तो कभी कभी इसकी भुजिया बना के खाओ, बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये सोवा भी आ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सोवा के साथ बना लिया जाए। तो मैं इसको एकदम बारीक काटूंगी, छोटा छोटा, और काट के एक बार फिर से दोबारा इसको मल के अच्छे से धुल लूँगी। और इधर मैंने दलिया रख दिया है नाश्ते में बच्चों के खाने के लिए, तो दलिया हो गई है। और इधर सोवा भी मैंने काट लिया है, तो अब इसको मैं छौंक देती हूँ और दलिया रख देती हूँ साइड में। तो छौंका लगाने के लिए हमें चाहिए सोवा मेथी साग में सिंपल सा। ये मैं तेल भरी थी तो पैकेट ऐसे ही करके रख दी थी, इतना सारा तेल निकला, बहुत तेल रहता है पैकेट में। जल्दी जल्दी पीपिया मतलब पीसी में भर लेते हैं, बचा रह जाता है। और आलू देखिए इसको खूब अच्छे से मल लेंगे, एकदम वाइट हो गई है, छिक्कल सहित है और एकदम साफ हो गई है। तो ये तेल में हम कर लेंगे 3-4 मिर्ची फ्राई, क्योंकि साग से मिर्ची फ्राई बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। तो इधर मिर्ची रख दिया और फिर इसमें डाल देंगे मेथी दाना और लहसुन मिर्चा। तो साग में हम लोग प्याज नहीं डालते इस वाले साग में, और कोई कोई साग में डालते हैं। और इधर फिर मैंने आलू डाल दिया, सोवा डाल दिया और इसको ढक देंगे और फिर इसको चला के अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी एकदम एक चुटकी हल्दी। तो हल्दी मैंने डाल दिया और अब मैं डाल दूँगी नमक चला के। तो लीजिए मैंने नमक भी डाल दिया और अब इसको ढक दूंगी और छोड़ देती हूँ मैं पकने के लिए। तब तक बेटी देख लेगी और मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। और फ्रेंड आज मेरे साथ क्या हुआ मैं क्या बताऊँगा आप सबसे। ये दरिया है उन लोगों के लिए मैं निकाल देती हूँ। जब मैं आई वीडियो एडिट करने तो समझ लीजिए काफ़ी मेरी वीडियो डिलीट हो गई, समझ लीजिए मुझे रोना आने लगा। तो मैं नहा ली और पूजा कर ली और फिर मैं आ गई यहाँ। जो साग है हो गया था, रोटी मैंने बनाया और ये बर्तन भी भिगोती हूँ धुलने के लिए। और फिर ये मैं भैया को दे देती हूँ खाने के लिए। तो जो मैं पूजा की थी और थोड़ा थोड़ा मैं अपना भी मतलब होता है ना फ्रंट कैमरा से वीडियो, तो मैं जो बनाई थी सारा डिलीट हो गया फ्रेंड, पता नहीं कैसे डिलीट हुआ, मुझे खुद नहीं पता है। और जो था मैं वो आप सबके लिए मैं बना के एडिट करके डाल रही हूँ और उम्मीद है कि पसंद आएगी। वैसे तो आप सब मेरा वीडियो बहुत देखते नहीं हैं, जो देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों और क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। तो जो था मैं वो आप सबके लिए डाल रही हूँ और अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करिए, पर कुछ तो किया करिए। तो ये सरसों का तेल था तो मैं जा रही हूँ उनके बाल में लगाने। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे वीडियो डाल देती हूँ, कभी रो रही हूँ कभी हंस रही हूँ, नहीं, कभी रेसिपी रहती है कभी फैमिली का रहता है, तो हर तरह की मैं वीडियो डालती हूँ। बट आप सब पता नहीं क्या देखते हैं नहीं देखते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरा काम है डालना। यूट्यूब चला रही हूँ तो वीडियो तो डालूँगी, कोई देखे चाहे ना देखे। तो ये मैंने थोड़ा सा लहसुन छीला है, इसका मैं बनाऊँगी अचार। तो मैं आ गई किचन में और ये मैं पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए।
और जब ये उबाल आ जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन को छीला हुआ, और एक उबाल आ जाएगा उसके बाद इसको मैं छान लूँगी। तो तुरंत ही उबाल आ गया था तो इसको मैंने छान लिया है। और एक फ्राई पैन में मैंने डाला सरसों का तेल, मंगरेल और छोटी वाली सरसों, हींग, हल्दी, लाल मिर्ची और फिर डाल दूँगी उबला हुआ लहसुन। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे और डाल देंगे आधा चम्मच अमचूर और फिर डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो लीजिए लहसुन का अचार बन गया है। तो बिटिया भी पढ़ाई कर रही है, चलिए उसको देती हूँ चखने के लिए और पूछती हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि मैं अभी तो खाना बना रही हूँ, पक गया है मैं चेक कर रही थी। चलिए देखती हूँ कैसा बना। तो केक क्लास कर रही हूँ और मैंने अचानक से बनाया है। चलो मैं भी चख लेती हूँ कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है, आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। सब सफर चट मस्त बन गया है। थोड़ा सा ही मैं बनाई हूँ, बिल्कुल इसमें लहसुन का टेस्ट नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इधर बना लूँगी दाल चावल, तो सिंपल वाली दाल बनाई हूँ और इधर डाल देती हूँ चावल। तो हो गया फिर दोपहर के खाने में दाल चावल। और ये मैंने काट लिया है सलाद टमाटर प्याज का, अभी खीरा ख़त्म है। और सीख लिया है मैंने रोटी। तो ये थाली लग गई भैया की, आ गए हैं वो कोचिंग से, सॉरी यूनिवर्सिटी से। तो और इधर अचार मैं निकाल देती हूँ किसी बर्तन में और उनको दे दिया खाना खाने के लिए। और जो मैं अपना बनाई थी तो डिलीट ही हो गया। तो इधर अब शाम को हम लोग पी लेते हैं चाय। तो चाय मैंने पी लिया और चाय पी रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मूँगफली रखी हुई है, तो चलिए उसकी मैं बना लेती हूँ नमकीन। तो जब चाय बन रही थी तभी मैंने मूँगफली भूंज लिया था और इसका छिक्कल निकलने लगा है, तो इसको मैं थाली में निकाल के छिक्कल निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी नमकीन। और ये रही लाई, तो इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ढकी रहती तो उसमें थोड़ा सा लाई का भूरा टाइप रहता है। और मूँगफली का छिक्कल भी निकाल निकला। अरे भाई थोड़ा सा जो लाई का चूरा रहता है। बिना प्याज मिर्ची वाली बना रहे हैं तो इसमें डाल देंगे पहले थोड़ी सी हल्दी, चम्मच लाल मिर्ची, अमचूर। तो मूँगफली तो भूंजी हुई है, बस इसको डाल के तुरंत डाल दूंगी लाई। और लाई डाल के फिर अलट पलट के चला लेंगे। तो प्याज करी पत्ता सब डाल के मिर्ची में बनाती, पर मूड मेरा थोड़ा ऑफ हो गया, पर इसी वजह से सिंपल ही मैं बना दे रही हूँ क्योंकि मूँगफली भूंज ली थी बनाने के लिए। तो इसको बना के साइड में कर देती हूँ। और फ्रेंड समझ लीजिए इतना रोना मुझे आ रहा था, मेरी सारी वीडियो पुरानी सारी फ़ोटो सब डिलीट हो गई थी, पर जो थोड़ा बहुत बच्चा था तो मैंने सोचा डाल दूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते भी हैं और लाइक भी करते हैं, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं ये रात में बनाई थी डोसा चटनी, क्योंकि दिन में सब दाल चावल खा लिए थे तो बोले कि रात में कुछ वैसे बना दो हल्का सा। और फिर ये सुबह का है फ्रेंड, मैं नहा ली हूँ और आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि भाई ये ना काम तो रुकता नहीं, तो पूजा कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ किचन में। चावल बचा है उसको मैं फ्राई करूँगी। और बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड की मेहनत तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, जो यूट्यूब चला रहा है वो भी करता है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। तो बस यहाँ पर आ गई मैं किचन में और फिर मैं कर लेती हूँ चावल फ्राई। तो टमाटर मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, अच्छा लगता है, अभी मटर वगैरह नहीं है, सिंपल से ही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो प्याज और टमाटर हो गई, इसमें चावल डाल दिया और मैं डाल दूंगी नमक। और आप सबको ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, कुछ तो कमेंट किया करिए फ्रेंड, लाइक कर दिया करिए, डिसलाइक कर दिया करिए, कुछ भी किया करिए, पर कुछ तो करिए,
अच्छा लगता है, मेहनत मैं भी करके डालती हूँ। ऐसे तो ब्लॉग बन नहीं जाता कि बस बैठे रहो, ब्लॉग बन जाता है, एडिट करना पड़ता है, डालना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें जो मेरी डिलीट हो गई वो वापस नहीं आई हैं, तो जो था वो मैंने आप सबसे शेयर किया। तो बस यही कहूँगी कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, थैंक यू। तो इधर बिटिया जो है वापस फ़ोटो वीडियो लाने की कोशिश कर रही है, यही फ़ोन है मेरा, इसी में से सारी मेरी पुरानी फ़ोटो डिलीट हो गई। वीडियो जो मैं शूट की थी एडिट करने के लिए 2-3 दिन का, वो भी डिलीट हो गया है। बस थोड़ा थोड़ा था तो वही सब मैं एडिट करके आप सबके लिए डाली हूँ। और मैं दोपहर में देखी, क्योंकि कोशिश करती हूँ 2-2.5 बजे तक